हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दिव्यान गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। उसका पिवट पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड क्या है और देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या होने वाला है और कहाँ क्या पैटर्न फॉर्म किया है उसका ऊपर हम डिटेल्स बात करेंगे और देखेंगे आप कहाँ पे एंट्री कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो आज देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी मैंने 4 आवर का चार्ट लिया तो डेली पिवट पॉइंट आएगा 26843, फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 27107 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 27266, थर्ड रेजिस्टेंस 27530, फर्स्ट सपोर्ट 26680, सेकंड सपोर्ट 26420 एंड थर्ड सपोर्ट 26261। तो इसमें देख सकते हैं आप ये बैंक निफ्टी डेली चार्ट, सो जैसे मैंने आपको दिखाया था ये प्राइस एक्शन मेथड से हायर हाई हायर लो बनाया। ओके जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई, तो ये देख सकते हैं ये हायर लो था, लोअर लो था ये, नेक्स्ट हायर लो, हाई हायर हाई हायर लो और अभी ये हायर हाई, राइट। तो और मार्केट ऊपर जाने वाला है यहाँ से और ये रीजन से नीचे थोड़ा नीचे आ सकता है, तो हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे मैं दिखाएंगे कैसे आपको रिसर्च एनालिसिस कर सकता है इसको, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और कहाँ आ सकता है, राइट। तो उसमें पहले हम और एक चीज को देखना चाहिए, यहाँ पे कोई यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज है क्या, तो आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग रेंज था यहाँ पे, राइट। तो सपोर्टिंग रेंज था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सपोर्टिंग रेंज भी एक निकाल लेंगे। तो इस सपोर्टिंग रेंज में एक मैं कनेक्ट करके एक हायर हाई को कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम 27000 के आसपास आ रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम फिबोनाची यूज़ करके देखेंगे तो जैसे फिबोनाची का यूज मेथड क्या होता है, जिसको ये हमें एक्स करके, ये एक्स पॉइंट है, जैसे एक्स पॉइंट है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट है ये, राइट, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो हमें निकालना है डी पॉइंट, डी पॉइंट कहाँ पे है, राइट, डी पॉइंट कहाँ है, तो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे हम। तो इसलिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची यूज़ करके हम इसको थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता है। तो मैंने अगर एक्स और ए को कनेक्ट किया तो हमें 61% कहाँ मिला हुआ है, यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं 61% रिट्रेसमेंट, ये ज़्यादा हो गया उससे भी, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एक्स ए। तो अगर हम देखेंगे इसको ए और बी को कनेक्ट किया मैंने, सॉरी ये उल्टा हो गया, मैं उल्टा करके लगा दिया इसको, तो ये बी पॉइंट और ए पॉइंट को हम कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं मैंने ये बी पॉइंट और ए पॉइंट को कनेक्ट किया, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, जो वेव होता है ए बी वेव को मैंने कनेक्ट किया, तो उसमें हमें मिला हुआ है 161, एग्जैक्टली 161 तक किया हुआ है, राइट। तो ये ए बी वेव रिट्रेसमेंट बी सी और एक्सटेंशन सी डी, तो डी पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है हमें डी पॉइंट, तो मुझे लगता है ये जो डी पॉइंट जो यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता है और रिट्रेसमेंट कर सकता है यहाँ से, तो इसलिए ये पॉइंट से हम बाय ज़्यादा बाय अभी लेने के लिए हम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट हो सकता है ये पॉइंट में, राइट। तो बाद में ये क्या फॉर्म कर सकता है, एक ऐसा एक चैनल बना सकता है, राइट, तो चैनल बना के मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसलिए ये हो गया डेली में, ठीक है, तो डेली ये फॉर्म पैटर्न हो सकता है, तो इसलिए हमें अब देखेंगे 4 आवर में तो क्या फॉर्म कर रहा है। तो 4 आवर में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो 4 आवर में देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस हायर हाई बना के ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, ये 200 मूविंग एवरेज, राइट, ब्लैक जो है,
तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया, लेकिन ऊपर निकल गया हमने इसलिए यहाँ पे एक क्या किया, एक सपोर्टिंग लेवल हमें कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमें 2 और 3 मिला, मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कनेक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 टस 2 टस 3 यहाँ पे 4 5 टस है, राइट। 5 टस में हमें एक क्या मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 27118 जो हमें मिला हुआ है, ये हमें रेजिस्टेंस मिला, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये 4 आवर में हमें मिल गया एक रेजिस्टेंस लाइन, जो मैंने प्लेस कर दिया रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर हम 15 मिनट में देखें तो आप 15 मिनट में देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस, ओ सॉरी, कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में ने आपको दिखाया था यहाँ पे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज थोड़ा ब्रेकआउट किया, हमें यहाँ पे 300 मूविंग एवरेज लगा देंगे तो 300 मूविंग एवरेज इससे आसपास घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मूविंग एवरेज 200 को थोड़ा ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, एक पैटर्न फॉर्म हुआ, राइट, चैनल, राइट, ब्रेकआउट किया, जैसे यहाँ पे चैनल फॉर्म हुआ था यहाँ पे, राइट, साइडवे मार्केट लोअर ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया, एक फेक ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट यहाँ देख सकते हैं ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है ये रीजन में थोड़ा यहाँ पे एक मार्केट एक साइडवे में जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करने से पहले ये पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि मार्केट साइडवे है या मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है फिर से ये रीजन के लिए इसे जैसे किया था। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये ब्रेकआउट करके ये मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है या यहाँ से कंटिन्यूस करने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अभी ट्रेडिंग एंटर करने से पहले आपको पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इसको 5 मिनट में देखे, 5 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी साइडवे मार्केट स्टार्ट कर दिया, तो एक हमें एक जोन मिल रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे तो देख सकते हैं एक साइडवे जोन मिल रहा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये रीजन में रुकेगा। तो इसका अगर ब्रेकआउट करे तो सेल आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज है 26,500 का आसपास, मतलब 400 का नीचे, और इसको ब्रेकआउट कर देगा तो मुझे लगता है मैंने जो एक रेजिस्टेंस दिया था आपको ऊपर में, तो वहाँ तक जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।